बीजेपी सांसद रमेश कौशिक हमारे साथ मौजूद है। पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने है। सर, पोल्यूशन को लेकर लगातार दिल्ली सरकार हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि पंजाब में भी पराली जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? ऐसा है, दिल्ली सरकार खुद तो काम करती है, उसका आरोप लगाने की आदत है, वो ही आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार पूरी तरह सजग है और हम पराली हरियाणा में बहुत कम जलाई जाती है, हम ये नहीं करते बिल्कुल नहीं, कुछ हो जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं ताकि किसी तरह की प्रदूषण में हमारी तरफ से कोई बात ना, इंडस्ट्री पर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं और उस पर भी कर रहे हैं। उन्होंने आप पार्टी ने दिल्ली में ध्यान देना चाहिए और पंजाब पर ध्यान देना चाहिए हरियाणा की बजाय। जब पहले आप वाले कहते थे, जब उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तो कहते पंजाब से प्रदूषण आता है, इन्होंने एक तरीका अपना रखा है। उनके मुख्यमंत्री अगर इतने सजग होते तो यहाँ पर रह के दिल्ली में और इस पर कंट्रोल करते, वो अपना बाहर घूम रहे हैं आराम से। सर, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आप सोनीपत से सांसद हैं, वहाँ पर भी सर कह रहे थे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो हरियाणा सरकार किस तरीके के इंतजाम कर रही है? हरियाणा सरकार उस पर लगी हुई है, अभी हम इंडस्ट्रियाँ पर भी लगा रहे हैं हम, और इस पर भी पराली पर तो कर ही रहे हैं कि ये कम हो, और इसको जब तक बारिश नहीं होगी इसको कम होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी, कि ये भी एक पोल्यूशन है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आज दिल्ली में और हमारे NCR में है वो बहुत ज़्यादा है, उसका भी हो रहा है, और काफ़ी बड़े एरिए में आज प्रदूषण के हालात। एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है गन्ना किसानों को लेकर, साल एक बड़ी घोषणा कल देखने को मिली है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपके वहाँ भी काफ़ी ग्रामीण इलाका ऐसा है, हमारे पहले भी गन्ना रेट सबसे ज़्यादा पूरे देश में हरियाणा ही दे रहा है, और आज उसमें मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, उसमें और इजाफा किया, और अगले साल हम 400 रुपये क्विंटल कर देंगे, ये भी कह दिया है, और इसका फ़ायदा किसान को बड़ा भारी फायदा मिल रहा है। और हमारे यहाँ किसान की फसल MSP पर हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा 17-18 फसलें हम MSP खरीदते हैं, सब प्रदेशों में ज़्यादा हम करते हैं, और गेहूँ और चावल में हम उत्पादन में भी देश में नंबर 2 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। ये तो बीजेपी सांसद रमेश कौशिक, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।